नगर में जहां 10 अक्टूबर से भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन शुरू होगा, तो वहीं करहल में 11 अक्टूबर से भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन शुरू हो जाएगा। किस तरीके का पूरा शेड्यूल रहेगा, आइए आपको दिखाते हैं इस खबर के जरिए। बता दें कि करहल के प्राचीन रामलीला मैदान में भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन का दौर अब शुरू होने वाला है। 11 अक्टूबर से भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन यहाँ से शुरू हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले रामलीला महोत्सव की भूमि पर भूमि पूजन के साथ रामलीला महोत्सव की शुरुआत की जाएगी। शुभारंभ और शुरुआत एक साथ की जाएगी, जिसके लिए रामलीला महोत्सव समिति के पदाधिकारियों ने एक बैठक की है और पूरी रणनीति तैयार की है। बैठक में बताया कि 12 अक्टूबर को भव्य एवं ऐतिहासिक भगवान शिव की बारात मोटामल मंदिर से निकाली जाएगी। 13 अक्टूबर को नरसिंह मंदिर के प्रांगण में राम जानकी जन्म की लीला का मंचन किया जाएगा। 14 अक्टूबर को विश्वामित्र की यज्ञ की लीला की जाएगी। 15 अक्टूबर को ताड़काबध, 16 अक्टूबर को सीता द्वारा पुष्प वाटिका का निरीक्षण, 17 अक्टूबर को सीता द्वारा गौरी पूजन, 18 अक्टूबर को परशुराम लक्ष्मण संवाद, 19 अक्टूबर को धनुष भंग, 20 अक्टूबर को मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम श्री राम की बारात बड़े ही भव्यता के साथ करहल नगर में निकाली जाएगी। 21 अक्टूबर को सीता हरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 22 अक्टूबर को रावण अंगद संवाद की लीला और लक्ष्मण शक्ति की लीला का मंचन किया जाएगा। 24 अक्टूबर को दशहरे के दिन रावण वध किया जाएगा। 25 अक्टूबर के दिन भरत मिलाप कार्यक्रम के साथ 26 अक्टूबर के दिन भ्रमण कार्यक्रम और 27 अक्टूबर के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर पर राज्याभिषेक के साथ 28 अक्टूबर के दिन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा और 29 अक्टूबर के दिन आखिरकार महोत्सव का समापन कर दिया जाएगा। अदर जी, आज जो ये कार्यक्रम था, क्या पूरा कार्यक्रम रहा जो आपने आज बैठक की है? ये श्री रामलीला महोत्सव 2023 के संदर्भ में हमने प्रेस वार्ता की है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं क्षेत्रीय जनता और धर्मप्रेमियों के अपना मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि 11 तारीख को हमारी रामलीला महोत्सव का शुभारम्भ हो रहा है। क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे इस बार, जो प्रमुख कार्यक्रम है? प्रमुख कार्यक्रम ये है कि 12 तारीख को हमारी शिव बारात है और 20 तारीख को हमारी राम बारात है और 24 तारीख को हमारा विजयदशमी दशहरा है, 27 तारीख को राज्याभिषेक है और 29 तारीख को आधिकारिक समापन। इस बार राम बारात में क्या खास होने वाला है? करहल की राम बारात ऐतिहासिक दिखाई देती है। आप सभी लोगों के सहयोग से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से प्रतिवर्ष मैं राम बारात में एक इतिहास और लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप लोग देखने के बाद मेरा मूल्यांकन करना, लेकिन आज तक के जितने भी मेरे जो है रिकॉर्ड्स हैं उनको मैं बुरी तरीके से ध्वस्त करने जा रहा हूँ अगर रामचंद्र जी मेरे ऊपर कृपा। कार्यक्रम में कौन कौन शिरकत करने के लिए आ रहे हैं? कार्यक्रम में जिले के प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं, कई मतलब जनप्रतिनिधि भी आ रहे हैं आरती उतारने के लिए। और इस कार्यक्रम में जो है सबसे बड़ी उपलब्धि इस बात की है कि इसमें कुछ जो है सनातन धर्म से संबंधित चीज़ों को भी मैं हाईलाइट्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हमारे प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं। अच्छा, इस बार राम बारात में और भी कोई आकर्षक है या पूरे कार्यक्रम में और कोई अलग कार्यक्रम? राम बारात में प्रत्येक चीज़ आकर्षक है। सबसे पहली प्राथमिकता इस वर्ष आप लोगों को देखने को मिलेगी कि हर झांकी या जिसे डोला कहते हैं, जो बहुत बड़ा होता है, मैंने सिर्फ नया चुनवाया है, जो भी नया बना है बस वही मैंने सेलेक्ट किया है, अदरवाइज मैंने उसको जो है निग्लेक्ट कर दिया है। तो सारा कार्यक्रम नया है और इसमें दो जो मतलब एक तरीके से प्रदर्शन कह लीजिए इस तरीके से, जिसको लोग जीवन में कल्पना करते रहे हैं कि मैं यहाँ पर किसी स्थिति में कब पहुँचूंगा या पहुँचूंगी, वो चीज़ आपको साक्षात सड़क पर चलती हुई दिखाई देगी। उसके लिए प्रशासन से भी मैं अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग करता हूँ कि राम बारात में उसके साथ अतिरिक्त सुरक्षा बल की व्यवस्था की जाए।